मुल्क का दिवालिया होने जा रहा है, महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है, अवाम परेशान है, लेकिन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के अमीर किबला अमीर मोहतरम हाफिज साद हुसैन रिजवी वो अपनी गरीब अवाम के साथ खड़े हैं। अब गरीब अवाम से जानेंगे क्या गरीब अवाम भी साद हुसैन रिजवी के साथ खड़ी है। आए मेरे साथ, क्या हाल है चाचा जी? शुक्र अल्लाह, तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह है। महंगाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी जा रही है, रोटी पानी तंग हुए थे। बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा। तो क्या चाहते हैं आप, कम नहीं करते? ये उतर जाए, और क्या चाहना है? फिर किसको आना? इमरान खान को आना चाहिए। महंगाई क्या सुनाए, महंगाई कैसी चल रही है? महंगाई बड़ी हो गई है, हमारे हमारे फिल्म का हमें पता ना कि कितनी महंगाई हुई है। शीशे तो यार बड़े प्यारे प्यारे लगाए हैं, इनके रेट बढ़ा दिए? रेट बढ़ते नहीं है, रेट बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारे तो रेट कम होते रहते हैं। महंगाई कैसी चल रही? महंगाई बहुत ज्यादा है भाईजान, आप खुद देख लें आटा किस भाव जा रहा है, गेहूँ किस भाव रहा है, पेट्रोल देखें क्या रेट। बहुत भाव चल रहा है आटे का, बहुत भाव चल। तो क्या चाहते हैं, महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं? महंगाई कम होनी चाहिए, पर कम किस तरह होगी? कम किस तरह होगी? जब आप बाहर निकलेंगे, बाहर निकले इमरान खान ही तो पीछे करके गया। इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने 10 दिन में कितना तेल बढ़ाया है, और देखो हर चीज महंगी हो गई है, गरीब क्या करेगा? पैसे खर्चता नहीं है और माल महंगा करी जा रहे तो क्या आप चाहते हैं, महंगाई कम होनी चाहिए? भैया महंगाई कम होगी तो फिर ही काम चलेगा, वरना ऐसे कैसे काम चलेगा? कैसे होगी ये, कभी सोचा है कि महंगाई कम कैसे होगी? आटा किसी को मिलता है, किसी को मिलता नहीं है। लोग तो मैंने देखा मर भी गए, कई लोग मर गए आटे के। मुझे ये बताए की महंगाई किस तरह कम हो सकती है? हमारे कुमरान करेंगे तो कम नहीं भाई, कम अच्छी बात है। आपकी नज़र में क्या है कि अगर हम किसको वजीर आजम की कुर्सी पे बिठा दें तो वो महंगाई कम कर सकता है? गरीब मर जाए, बच्चों को मार दें हम, ये हाँ यही है ना। अब घी कहाँ जा रहे हैं, इमरान खान के जमाने में इतना था, बताओ ना हमें भी। इमरान खान तोशा खाना से गड़ियाँ चोरी करके हुक्मरानों को देखना पड़ेगा, नहीं हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई हमारे लिए हो नहीं, महंगाई हुक्मरान तो कम कर ही नहीं रहे, वो तो दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। तो उन्हीं का काम है कम महंगाई जो है वो कम करनी, उनका काम है बढ़ाने। हुक्मरान जो है जो वजीर आज़म, हुक्मरान नहीं काम करेंगे, ये हमारा काम, क्योंकि पीछे हम रहे हैं वो टाइम जो सारे कुर्सी कर लगे, आप अपनी कुर्सी मैंने सीट ला जाए, वो कद मिला भी सीट ला जाए, महंगाई किसे कंट्रोल होनी? झूठ है, सारी मीडिया को पता है। ऐसे तो इमरान खान ऐसे कैसे कर सकता है, उसने सारे सबूत मौजूद, उसने अपने जजीज नहर का छोड़ा था ना, जजीज ने उसको करप्ट करा, छोड़ा था अपने मुल्क की खातर, छोड़ा था ना, तो क्या वो अपने मुल्क साथ जमाइमा की बेटी को कहता है वो मेरी बेटी नहीं? ये कैसे हो रही है, आप खुद ही बताओ। देखे ना, आप भी पैसे कमाने वाले हैं थोड़े, मतलब आप भी वर्कर ही है ना, या आपका अपना? हमारी अपनी दुकान है। फिर माशाल्लाह, फिर तुसी ठीक हो, थे जे ताड़ी अपनी दुकान है, माशाल्लाह बहुत बड़ी दुकान है। आवाम कैसे करेगी आप दिदा? जब आप निकलेंगे बाहर, जब आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप आगे से कहते हो नहीं कि ए चौधरियां दा मुंडा है मैनू चपेट मार सकता है, आगे से डिफेंड करते हैं ना। पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ती है या कोई भी मामला होता है तो आप हुकूमत को कहें कि क्यों बढ़ा रहे हो भाई। हाफिज साद रिजवी ने अभी ऐलान किया है महंगाई के खिलाफ कि अब ये जो इन्होंने मज़ीद महंगाई की है, ऐसा हम ऐलान करेंगे कि इंशाल्लाह गरीब आवाम के साथ ही हम खड़े हैं। तो क्या आप उस मार्च में शरीक होंगे? जी, मामा की बेटी है, दो बेटे हैं उसके, बेटी मैं कह रहा हूँ उसकी एक बेटी भी है, उसका क्या नाम है कल है, तो वो तो जजीज ने फैसला किया कि वो उसकी बोलते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। क्या है काम? अच्छा, लेकिन गरीब आवाम जो दिहाड़ीदार है 500,000 कमाता है, उसके लिए तो मुश्किल है फिर ना। तो आप नहीं चाहते कि वो भी बेचारा आराम से जो है कोई 200 का घी ले, तो 50 रुपए का घी मिलता कहाँ से यार? मैं वैसे कह रहा हूँ कि महंगाई को बिल्कुल कम आना चाहिए। हाँ जी, भजन आवाम तो कह रही है, कोई सुनेगा तो सुनेगा तो कोई बात, सुनाने का तरीका होता है, एहतजाज का तरीका होता है कि एहतजाज करें हम हुकूमत के खिलाफ। इंशाल्लाह होंगे, महंगाई मार्च में उनका साथ देंगे। हाँ जी देंगे। वैसे किसको सपोर्ट करते हैं? वैसे हूँ अपने आप नहीं पता था इसको क्या सपोर्ट करें। इस्लामी निज़ाम नहीं चाहते आप? नहीं, क्या इस्लामी निज़ाम? इस्लामी निज़ाम तो इस्लामी निज़ाम बड़ा चला रहे हैं ये, मैं तो ये कहती हूँ कोई भी ना आए, कोई भी ना, सारे चल जाए अपने अपने घर। ये कैसे काम होंगे जब हम बाहर निकलेंगे? आपके इधर जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, उन्होंने ऐलान किया कि हम महंगाई के खिलाफ मार्च करेंगे, क्या कहते हैं उसके बारे में?
अच्छी बात है, माँ इनके सपोर्ट है तहरीक लबैक वालों को। तहरीक लबैक ने ऐलान किया कि महंगाई के खिलाफ हम मार्च करेंगे कि ये महंगाई जो है कम करें, तो क्या कहते हैं आप? करना चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? वो जब निकलेंगे आप बाहर निकलेंगे उनके साथ? जरूरी, महंगाई के खिलाफ, वो गरीब आवाम के लिए सात रिजवी जो अमीर हैं वो गरीब आवाम भी गरीब है, हम भी गरीब हैं, हम कौन से अमीर हैं, हम भी तो निकलेंगे उनके साथ। नहीं नहीं, फिर भी वोट किसको डालते हैं? वोट तो मेरा जीण है ऐसे है। किसको? किसी को नहीं, किसी को नहीं। इस टाइम नहीं, पहले टाइम किसको? पहले जीते तो फिर वजीर आजम की कुर्सी पे किसको बिठाए? क्या करना वजीर आजम को, क्या करना? बिठा आपको बिठा दें, आप महंगाई कम कर दें। महंगाई कम होनी नहीं, इस्लाम का निज़ाम नहीं चाहते जो, यानी आप चाहते हैं कि सात रिजवी अगर ऐलान करते हैं महंगाई मार्च का तो आप सपोर्ट में? भैया वो जब भी मार्च के लिए निकलते हैं ना हमारा, क्योंकि हमें पता ना सात रिजवी अच्छाई के लिए निकलता है। आप लोग खुद ही जानते हैं ना, आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया, इन्होंने क्यों महंगा किया पाकिस्तान में? तो हम कह रहे हैं कि अगर आप घरों से बाहर निकलेंगे तो वो कम करेंगे ना। जाहिर है घरों से निकलना चाहिए। आप किसको देने का इरादा? एर गिराता है ही नहीं, इस्लामी निज़ाम नहीं चाहते आप? इस्लामी चाहते हैं। तो ये तहरीक लबैक वाले इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं ना, और ये करके भी दिखा सकते हैं। ओ सर, अल्लाह करे। अब आप ये बताइए इमरान खान कब निकला है? वो जब स्वीडन में हुआ था क्रांपा के बरमदी को। हम खुद उसके बड़ा खिलाफ हैं, टेंशन ना। तभी तहरीक लबैक वाले ने निकाला था मार्च वाले दी, तो गल ही फिर वाह वाह है ना, कह ही नहीं सकते। तेल डलवाते रहेंगे और सारा अपना ब्यूटी पार्लर का सामान कपड़े भी इकट्ठे करते रहेंगे, तो फिर उन्होंने कहना है अमीर बंदे ने इन्हों को पैसे कटवाई जो। यही तो कर रहे हैं ये लोग। फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों ने ऐलान किया कि हम महंगाई के खिलाफ मार्च करेंगे। तहरीक लबैक के बारे में क्या कहें? तहरीक लबैक वो भी ठीक है, उनका साथ नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, हर किसी का देना चाहिए, लेकिन ये कोई ईमानदार हो बस, हमें तो ये है। हाफिज साद रिजवी का बयान सुना है आपने कभी? नहीं मैंने नहीं। दामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का? नहीं वो तो मैं सुनती, वो अच्छे हैं। वो अच्छे हैं, थे और इंशाल्लाह रहेंगे, इंशाल्लाह। उनकी जमात भी है? नहीं नहीं वो बहुत अच्छे हैं, वो इस्लामी लोग, इस्लामी लोग हैं। उनके बेटे ही अभी क़यादत कर रहे हैं और वो महंगाई के खिलाफ निकलेंगे, हम भी निकलेंगे साथ। अभी सुनने में आ रहा है उन्होंने ऐलान किया है कि महंगाई, सिराजुल हक ने भी किया है, वो सब ने किया है, लेकिन आपको पता है तहरीक लबैक वाले अपने मुतालबात मनवा के फिर ही वापस आते हैं। अल्लाह करे मान जाए फिर, ये आप भी जानते हैं, करो हम भी इनके साथ हो जाएंगे। थैंक यू जी। महंगाई से दो चार आवाम साद हुसैन रिजवी का साथ देने के लिए तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि साद हुसैन रिजवी कॉल दें, वी आर विद साद हुसैन रिजवी। आप भी हैं, हम भी हैं। पाकिस्तानी आवाम जो है वो किस कदर महंगाई के खिलाफ, इस हकूमत के खिलाफ साद हुसैन रिजवी का साथ देने के लिए तैयार है, आप भी बताएं कमेंट करके कि क्या आप भी साद रिजवी ऐलान करेंगे तो उनके साथ बाहर निकलेंगे या नहीं। पाकिस्तानी आवाम जो मैंने देखी है, मुझे तो हर किसी ने यही कहा है कि हम इंशाल्लाह साद हुसैन रिजवी के साथ हैं।